गुड मॉर्निंग एट क्लास बच्चों, असी एग्रीकल्चर की क्लास के पार्ट नंबर 6 मधुमक्खी पालना पढ़ रहे थे। भाग पहले असी पढ़िया कि मक्खियां दो प्रकार दियां, हिंदुस्तानी ते यूरोपियन मक्खियां होंदियां ने, ते इन्हां दियां अग्गे जातां ने राणी मक्खी, कामा मक्खी ते ड्रोन मक्खी। ते इन्हां मक्खियां नूं पालन दे लई किहड़ा समान जरूरी है ते उहनूं किवें पालना है, इस बारे अज असीं पढ़ांगे। शहद दीआं मक्खियां पालना शुरू करना, इस पॉइंट तों असीं शुरू करना सी। लोड़ींदा समान, मक्खियां नूं पालन दे लई किहड़ा किहड़ा समान जरूरी रहिंदा है, उस बारे असीं पढ़ांगे। शहद दीआं मक्खियां पालन लई शहद दीआं मक्खियां तों इलावा शहद मक्खियां दे बक्से जिहनूं हाइव कहिंदे, फ्रेमां नूं हिलाउण लई पत्ती, हाइव टूल, जाली, बी वेल, धुआं देण लई स्मोकर, मोम दीआं बुनियादी शीटां, ठीक है, जिन्हां नूं कॉम फाउंडेशन दी लोड़ पैंदी है, मतलब कॉम फाउंडेशन बोलदे ने, इस दी लोड़ पैंदी है शहद दीआं मक्खियां नूं पालन दे लई। की दी लोड़ पैंदी है? बक्से दी, ते फ्रेमां नूं हिलाउण लई पत्तियां ते जाली, फिर मोम दीआं बुनियादी शीटां, धुआं देण लई स्मोकर, ते ये सारियां चीज़ां शहद दीआं मक्खियां पालन वेले जरूरत पैंदियां हन। शहद कढ़न लई मशीन जरूर समय मक्खी पालक तो उधार जां किराए ते ले जा सकदी है, मतलब जिन्हां दा प्रोफेशन है जिहड़े ओह आपां इक दूसरे कोलों लै के ये शहद कढ़न लई यूज़ कीतियां जा सकदियां। इह देखो जी बच्चे, ये हैगे आ बक्से ते हैगे पक्के हुए शहद दी मोम तो तैह उतारना किवें ओह पत्ती नाल छिल रहे ने। फिर अगे है शहद कढ़न वाली मशीन जिहदे राहीं शहद कढ़िया जांदा ओह मशीन, ठीक है जी। लोड़ींदे फुल, पंजाब विच तोरिया सरों, गोभी सरों, सफेदा बस बरसीम, नाखा, चटाला, टाली, नरमा, अरहर अते सूरजमुखी आदि ओ मुख फसल हैं, जान रखते हैं जिन्हों तो शहद दीआं मक्खियां अपनी जरूरत तो वध शहद इकट्ठा कर सकदियां हैं। इन्हां तो इलावा लीची, बेर, खैर, किकर, कद्दू जाति दीआं फसलां, तिल आदि तो भी शहद जां परागे प्राप्त होंदा है। ढुकमा समा, फरवरी, मार्च अते नवंबर दा समा पंजाब विच शहद मक्खी पालना शुरू करन लई ढुकमा समा है। जगह दी चोण, शहद दी मक्खी लई अजिही जगह दी चोण करो जिथे साल विच वध तो वध लोड़ींदा समा फुल, धुप, छां ते साफ पानी दा प्रबंध होवे। मुख मार्ग जां रेलवे लाइन तों हटवां ते आस पास तों थोड़ा उच्चा होवे अते बक्से लिआउणा जां लिजाउणा आदि सौखा होवे, ठीक है। मैं उन्होंने कैरी करना, इधर उधर ले जाना करना, वह थान चुना जितों नेड़े होवे, ठीक है जी। शहद दीआं मक्खियां दी खरीद, वधेरे मुनाफे लई 8 फ्रेम मक्खी नाल नवा कुटुंब शुरू करो। नवे खरीदे कुटुंब विच नवी गर्भवत राणी मक्खी, बंदा ते खुला ब्रूड, शहद अते पराग तो होण, पर ड्रोन मक्खियां ते ड्रोन ब्रूड घट तो घट होण, ठीक है जी। नवी गर्भवत राणी मक्खी अते बंद ते खुला ब्रूड, ठीक है, शहद अते परागा तां होण पर ड्रोन मक्खियां ते ड्रोन ब्रूड घट तो घट होण। हाँ जी, अगे है जी, खरीदे हुए कुटुंब नूं चुनी हुई जगह ते ले जाना। खरीदे हुए कुटुंब दे गेट बंद करके हमेशा देर रात जब तड़के चुक के चुनी हुई जगह ते लेके जाके एक दूजे तो 6 to 8 फुट की दूरी ते कतार तो कतार 10 फुट की दूरी होवे, ठीक है। मतलब कि जिहड़ी असी कुटुंब चुने ने उन्हां नूं एक थां तों दूजी थां ते जदों लैके जाणा है उन्हां नूं रात नूं जां तड़के सवेरे लेना, उहदा कारण इह है कि मक्खियां मुड़ के उधर ना आ जाण, ठीक है ना। जिवें कहिंदे बच्चे नूं नेरे चों तां इधर तों उधर करन नूं राह ना पता लगे, ओह चीज़ है, ठीक है। ते उहनां दे रखण दी वी जिहड़ी दूरी है 6 to 8 फुट तक दी होनी चाहीदी है, जिहड़ी कतार दी दूरी है 10 फुट दी। शहद मक्खियां कुटाम दा मौसमी प्रबंध, बसंत रुत दा प्रबंध, शहद मक्खियां दे वाधे अते शहद प्राप्ति दे लई ही बहुत ही ढुकमा मौसम है। कुटुंबां नूं कम्मां लई वधेरे जगह देण लई तैयार छत्ते जां मोमी शीटां देवो। जदों बक्से विच 10 छत्ते पूरे हो जाण तां उस उपर सुपर चैंबर लगा के छत्ते देवो। कुटुंब विच जदों
कुटुंब विच जगह दी घाट होण कारण मक्खियां स्वारम राणी मक्खी द्वारा अद्धियां कु मक्खियां नाल लैके उड़ जाना कर लैंदियां ने। मतलब जिहड़ी राणी मक्खी है ओह अगर थां दी कमी होएगी तां कुछ कु मक्खियां नूं नाल उड़ा के नाल लै जाएगी, जिन्हों कहिंदे आ स्वारम। ठीक है, मतलब राणी मक्खी मक्खियां नूं उड़ा के लै के भी जा सकदी है। ये नुकसान रोकण दे लई कुटुंबां नूं लोड़ अनुसार छत्ते देंदे रहो। राणी मक्खी दे इक पासे दे अद्धे खंभ कट देवो अते हर हफ्ते कुटुंबां दी निरीक्षण करके करदे रहो। राणी मक्खी दे इक पासे दे करन मतलब कि उड़ ना सके, उहदा कारण इह हो सकदा ना, राणी मक्खी दे अद्धे खंभ कट देवो। हर हफ्ते कुटुंबां दा निरीक्षण करके तैयार हो रहे राणी सैल कट देवो। पक्के हुए सरों ਅਤੇ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਟੁੰਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰ ਬਣਾਓ। ਸਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਮ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਰੁੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੈਰ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਫੁਲਾਕਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅਤੇ ਨਰਮਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੁੱਲ ਫੁਲਾਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਟੁੰਬਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੋਲ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਛੱਤੇ ਫੀਡਰ ਜਾਂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿਓ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੁਟੁੰਬਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕੁਟੁੰਬਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੋ। ਕੁਟੁੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੈਬਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋ। ਕਾਲੇ ਕੀੜੇ ਪਰਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੋਮੀ ਕੀੜੇ ਕੁਟੁੰਬਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਟੁੰਬਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਫੁੱਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਖਾਲੀ ਛੱਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬਕਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਛੱਤੇ ਦੇਵੋ। ਜੇਕਰ ਛੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖੰਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੋਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 2 ਗੁਣੀ ਖੰਡ ਛੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਣਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਮੋਮ ਦੀ ਤੈਅ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਬਰੂਡ ਵਾਲੇ ਛੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਕੱਚਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਜਲਦੀ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੇ ਛੱਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਝਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਝਾੜ ਦੇਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਛੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜਾਲੀਦਾਰ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਮੋਮ ਦੀ ਸੀਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦੇਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਛੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਨੀਚੇ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਛੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਛੱਤੇ ਵਾਪਸ ਕੁਟੰਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਖਾਲੀ ਛੱਤੇ ਵਾਪਸ ਕੁਟੰਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਸ਼ਹਿਦ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ, ਮੋਮ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਤਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਵੋ। ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਮਲਮਲ ਦੇ ਦੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪੁਣ ਲਵੋ। ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਫੂਡ ਗਰੇਡਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹਵਾ ਬੰਦ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿਓ। ਫੂਡ ਗਰੇਡਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਹੁਤ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੋਜਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹਵਾ ਬੰਦ ਮਤਲਬ ਏਅਰ ਟਾਈਟ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋ। ਮੋਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰੀ ਮੋਮ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਛੱਤੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਕਾਰ ਦਾ ਛੱਤੇ, ਜੰਗਲੀ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੁਣ ਲਵੋ। ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪੁਣਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਘਲੀ ਹੋਈ ਮੋਮ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਮੋਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਖਰੀਦ
कई व्यापारी निर्यात कर रहे हैं। इस तो इलावा शहरी मक्कियां दे स्वय सहायता गुट जिन्हों SHG भी शहर का मंडीकरण विच वड्डा योगदान पा रहे हैं। शहर नूं वख-वख आकारां दीआं आकर्षित बोतलां विच भर के वेचण लई मुनाफा वधाया जा सकदा। देखो बोतलां दे विच भरिया है ना। हाँ जी अगे है सरकार द्वारा सहायता शहर दीआं मक्कियां दे किते नूं प्रफुल्लित करन लई सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन दे अधीन सबसिडी दित्ती जा रही है। इस तों इलावा शहद कढ़न वाली मशीन सैल टोपियां उतारण वाले चाकू ड्रिप ट्रे आ शहद पाउण लई फूड ग्रेड प्लास्टिक दीआं बाल्टियां भी सबसिडी ते दित्तियां जांदियां हन। सिखलाई शहद मक्खी दी प्रैक्टिकल सिखलाई पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU लुधियाना विच कृषि विज्ञान अते कृषि विज्ञान केंद्र जां खेतीबाड़ी विभाग तों प्राप्त कीतियां जा सकदियां हन। PAU द्वारा प्रकाशित किताब इटालियन मधुमक्खियां दी साफ संभाल राहीं भी लोड़ अनुसार जानकारी हासिल कीती जा सकदी है। हाँ जी इस शहद दीआं मक्खियां बच्चे असीं इहदे शॉर्ट और वैरी शॉर्ट कर चुके हैं ते लोंग वाले क्वेश्चन मैं तुहानूं अज उहनां दा PDF भेज दांगी ते मैनूं उम्मीद है तुसीं कापियां नाल नाल पूरियां कर रहे हो। ठीक है जी एक बारी अपने बिहाव ते फिर चैप्टर पढ़ लेना ते तुहानूं सारा क्लीयर हो जाएगा। ओके जी फिर मिलते हैं नैक्सट वीडियो चैप्टर दे नाल। धन्यवाद।